महाराष्ट्र सरकार ने कर्ज माफी का दायरा 2012 की जगह 2008 किया। अब 2009 से जिन किसानों ने कर्जे लिए हुए थे वो हो जाएंगे माफ। कर्ज माफी के बाद महाराष्ट्र सरकार को एक और झटका। राज्य के 16 लाख कर्मचारियों ने सातवां वेतन आयोग लागू न करने पर दी हड़ताल पर जाने की धमकी। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी या एडमिशन को किया जाएगा निरस्त। महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। एनसीपी नेता छगन भुजबल और परिवार की 300 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति कुर्क ईडी ने पहले ही की थी जब्त। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुंगटीवार का दावा, कहा महाराष्ट्र में 4 करोड़ पेड़ लगाने के लक्ष्य को पूरा किया गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्कूली बच्चों की अनोखी मुहिम, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ का दिया संदेश। रेलवे के नए नियम के अनुसार ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर सफर करना अब एक दंडनीय अपराध, पकड़े जाने पर जेल और 500 रुपए का जुर्माना। मुंबई में शिवसेना विधायकों से कल मिलेंगे उद्धव ठाकरे, विधानसभा के मॉनसून सत्र में पार्टी के एजेंडे को लेकर होगी चर्चा। उद्धव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया आदेश, डिस्ट्रिक्ट बैंकों से मांगे कर्ज माफी के दायरे में आने वाले किसानों की लिस्ट न मिलने पर ढोल बजा के विरोध करें। महाराष्ट्र सरकार दही हांडी पर प्रतिबंध हटाने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी में, अदालत ने दही हांडी की ऊंचाई और छोटे बच्चों के इस्तेमाल पर लगाई थी रोक। राज ठाकरे ने उठाई महिलाओं के लिए आवास, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका से स्कूल में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाने की मांग की। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नारायण राणे के बेटे नितेश राणे की गुंडागर्दी, कमिश्नर दफ्तर में अधिकारी के मुंह पर मारी मछली। तृप्ति देसाई और उनके पति के खिलाफ हिंजेवाड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज। अहमदाबाद में एक शख्स से मारपीट कर पैसे छीनने का आरोप। एक 123 अंकों की बढ़त के साथ 31,369 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में भी 36 पॉइंट्स की बढ़ोतरी। 2019 के बाद केवल इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारें बनाएगी वॉल्वो, 2019-21 के बीच 5 इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करेगी कंपनी। ₹290 की गिरावट के साथ 28,930 रुपए हुआ प्रति 10 ग्राम सोने का भाव, चांदी की कीमत में 200 रुपए की गिरावट। बीएसई ने सभी दलालों को अपने ग्राहकों और फंड की जानकारी हर महीने भेजने का दिया आदेश, इससे पहले हर हफ्ते देनी पड़ती थी जानकारी। टाटा मोटर्स ने अपने वाणिज्यिक वाहनों की कीमतों में 8.2% तक की कटौती की, जीएसटी के बाद ग्राहकों को मिला लाभ। महाराष्ट्र सरकार ने विक्टोरिया घोड़ा गाड़ी बैन करने के बाद मालिकों और चालकों के पुनर्वासन का किया दावा, बॉम्बे हाईकोर्ट को दिया जवाब। महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट से फटकार, साल के अंत होने से पहले प्री प्राइमरी की पढ़ाई के लिए गाइडलाइंस बनाने का आदेश। सलमान खान के खिलाफ जोधपुर में चल रहे केस की तारीख को बढ़ाया गया आगे, काले हिरण मामले में अब 22 जुलाई को अगली सुनवाई। सलमान खान एक बार फिर करेंगे दबंग टूर, साल के सितंबर महीने से होगा शुरू। इमरान हाशमी का नया लुक रिवील, बादशाहों के लिए बनाया नया लुक। निर्देशक आनंद एल राय और अनुराग कश्यप की फिल्म मुक्केबाज का पहला टीजर लॉन्च, फैंटम फिल्म्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया शेयर।
रणवीर सिंह के जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया पर बधाइयों का दौर। सोनाक्षी सिन्हा, अर्जुन कपूर, श्रद्धा कपूर, वाणी कपूर, अनिल कपूर सहित कई बड़े कलाकारों ने दी जन्मदिन की बधाई।